चलो भाई आ जाओ दोस्तों, ज़रा एंजॉय कराते हैं आपको। यार देखो, जब हम छोटे थे ना, तो हमने इंडिया में सुना था कि अमेरिका में जब कोई सफाई करने वाला आता तो गाड़ी से आता है। तो यार ये वाली बात जो है वो 100, 200, 300, 1000% सही है। गाड़ी से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी के बगैर कोई काम नहीं होता। बगैर गाड़ी के अगर आप आओगे तो आओगे कैसे? अमेरिका जो है वो इंडिया से 3 गुना बड़ा है। इतनी दूर दूर जगहें हैं कि आप बगैर गाड़ी के आ नहीं सकते हो, तो गाड़ी ज़रूरी है। तो ये बात सही थी, सुनी थी हमने बचपन में अपने, कि जो अमेरिका में सफाई करने वाले होते हैं वो गाड़ी से आते हैं। लेकिन सफाई कैसी होती है देखो आप, हमारे यहाँ कोई इंसान कोई किसी भी तरह कूड़ा, सिगरेट की डिब्बी, या पान के गुटखे के पाउच, या केले के छिकले, कुछ भी कूड़ा कहीं नहीं दिखता है। कूड़ा सिर्फ ये है जो पत्तों का कूड़ा आप देख रहे हो, जो पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, पतझड़ का मौसम है तो उसमें जो पत्ते गिरते हैं वही आप देख रहे हो, यही कूड़ा आएगा। तो उसके लिए देखो पत्ते बहुत गिरते हैं। अभी तो छोटे पेड़ हैं, ये हैं 3 साल पुराने पेड़ हैं अभी ये, और अभी थोड़े दिनों बाद भी 4-5 साल पुराने पेड़ हो जाएंगे, तो सोचो आप कितना पत्तों का कूड़ा होगा। तो पत्तों का कूड़ा है, तो देखो 4 आदमी आए हुए हैं, 4 आदमी हैं, वो कूड़े को उठा रहे हैं। उठा क्या रहे हैं? उनके पीठ के पीछे लगा हुआ है एक मशीन और हाथ में है ब्लोअर। वो उस ब्लोअर से पत्तों को ब्लो करते हैं, और पत्तों को ब्लो कर करके सारे पत्ते एक जगह इकट्ठे करते हैं। एक वीडियो पहले भी लगाया था, लेकिन ये मैं ज़्यादा फनी ऐसे लगा रहा हूँ। उस दिन तो एक बंदा काम कर रहा था, 4 लोग काम कर रहे हैं देखो आप। तो ये सब पत्तों को इकट्ठा कर करके सब एक कोने में कर देंगे जमा, सारे पत्तों को। उसके बाद दूसरा बंदा आएगा, वो सारे पत्ते समेट के गाड़ी में भरेगा, रखेगा ऊपर और ले जाएगा। और एक जगह होती है, ऐसा नहीं कि अपने यहाँ तो है कि सफाई करने वाला है, उसने कूड़ा जमा किया एक तरफ कोने में, जब सुबह आप जा रहे हो कहीं पर भी तो जगह जगह उनने आग लगा रखी है। ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पर कि आग लगा दी, सब कूड़ा जमा होता है यार। हंसी आ रही है सोच के, जब मैं अपनी वहाँ की इंडिया की रहने की आई एम सॉरी यार, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, कूड़ा जमा कर आग नहीं लगाते हैं। वो देखो सब जमा करेगा एक जगह, आई एम सॉरी। और फिर एक दूसरा लोग आएंगे, वो सब कूड़े को उठा के ले आएंगे। ये सारा कूड़ा देखो जमा कर रहा है, सबके लॉन में से इसने साफ़ करा है, मेरे में से नहीं करा है, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था। तो उसे लगा होगा यार ये बड़ी मेरी बेइज्जती हुई, शायद मैं इसके लॉन में जाऊँगा, तो मेरे लॉन में नहीं आया साफ़ करने के लिए, सब कर दिया। तो मैंने कुछ कहा भी नहीं, क्योंकि मुझे यार वीडियो बनाना है अपने लोगों के लिए, आप लोग के लिए। सॉरी यार, ज़रा खांसी हो रही थी। तो देखो अब सफाई हो रही है बहुत बढ़िया वाली, अभी सब जमा कर देंगे आप कूड़े के पूरे, और दूसरा बंदा आएगा सारा कूड़ा उठा के ले जाएगा। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, ना पसंद आए डिसलाइक करना, पसंद आए लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो मेरा वीडियो अगला लगे सबसे पहले आप उसको देख सको। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद, बाय।